मीठी ईद की मीठी खुशियां सबको मुबारक, छोटी ईद बड़ी खुशियां ले आई। गिले शिकवे मिट गए, नाराज दोस्त मिल गए, महफिलें सज गईं, दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी, मेहमानों की खूब आवभगत। मटन बिरयानी, बीफ कबाब, चांप तो कोई निहारी से लुत्फंदोज होता रहा। बच्चा पार्टी का ईद मनाने का अपना अंदाज, कड़ाकेदार नोटों से नन्हे मुन्नों के चेहरे खिलखिला उठे, सूट बूट पहनकर ईद उड़ाने निकल पड़े। पहले पार्क्स में खूब हल्ला गुल्ला किया, झूले वालों की खूब चांदी कराई, अब आइसक्रीम की दुकानों पर डेरे जमा लिए, गोलगप्पे की दुकानों पर भी रश लग गया। मीठी ईद मीठे के बगैर अधूरी, कराची में मिठाई की दुकानों पर रश, गुलाब जामुन, रसगुल्ले और बर्फी सबको पसंद। रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के लिए गिफ्ट पैक करा लिए, बच्चों के लिए आइसक्रीम और चॉकलेट के ऑर्डर। हैदराबाद के शहरी खूबसूरत केक की खरीदारी में मसरूफ। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमा मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर, सदर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद में ईद की नमाज अदा की। साबिक सदर आसिफ अली सरदारी ने नवाब शाह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गढ़े खुदा बख्श में ईद की नमाज पढ़ी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो समेत दीगर शहदा के मजार पर हाजिरी, फातिहा खानी की। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नमाज ईद गुलबर्ग लाहौर में अदा की, लोगों से मिले, ईद की मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब अली गुर रहमान ने बादशाही मस्जिद और गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी ने कराची के पोलो ग्राउंड में ईद उल फित्र की नमाज पढ़ी। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने नमाज ईद अपने आबाई इलाके जिला भिम्बर में अदा की। मुजफ्फराबाद की जामा मस्जिद खादिमुल हरमैन शरीफैन में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। मकबूसा कश्मीर समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। भारत, बांग्लादेश, ईरान, मलेशिया में आज ईद, थाईलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, जापान और फिलिपाइन में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा, मुसलमान आपस में घुल मिल गए। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी, कहा पूरी कौम बहादुर और फर्ज शनास जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। शहबाज शरीफ का जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, एयर चीफ जहीर अहमद बाबर, नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी को भी फोन, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म के सियासी कायदीन से रबते, ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का पीडीएम सरबरा मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी को टेलीफोन, चौधरी शुजात हुसैन, अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक और दीगर को भी फोन पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम का चारों गवर्नर्स, वजीर आला पंजाब केपी और मुराद अली शाह को भी टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान के मफाद के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। मफाद आमा के अलावा किसी मामले पर सो मोटो नहीं बनता। कैदियों के साथ इंसाफ के मामले पर अदालत ने कितने सो मोटो लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में कोट लखपत जेल का दौरा, कैदियों में तहफ तकसीम किए, ईद की मुबारकबाद दी। खवातीन कैदियों के मसाइल के हल के लिए इकदाम की हिदायत, कहा इल्म है जेल के अंदर ईद के क्या मानी है, दुआ है कि कैदी यहाँ से बेहतर पाकिस्तानी बनकर जाए। सरहदों की हिफाजत से ज्यादा मुकदम कुछ नहीं है। पाक फौज सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ का पाक अफगान बॉर्डर का दौरा, अफसरान और जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की और बुलंद हौसले को सराहा। शहदा को खराज तहसीन पेश किया, कहा कि ईद पर वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को नहीं भूलना चाहिए। पाक फौज के जवान वतन अजीज के दिफा के लिए पुरअज़्म, कौम के बेटे ईद सरहदों पर गुजार रहे हैं, खाना, मिठाई, गीत और ड्यूटी साथ साथ। मशरकी मगरबी सरहदों और सियाचिन के बर्फ पोश पहाड़ों पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सपूत हर दम तैयार। मुल्क
वज़ीर-ए-आला सिंध की लाड़काना आमद, कराची CPO ऑफिस में दहशत गर्दी के दौरान शहीद अहलकार गुलाम अब्बास लगारी के अहल खाना से ताज़िया। घोटकी में कच्चे के इलाके में डाकुओं के साथ मुकाबले में शहीद अहलकार किशोर कुमार के घर भी गए, अहल खाना से ताज़िया। मुल्क में एक साथ इंतखाबात कब कराए जाएं, हुकूमत तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार। वज़ीर दाखला राना सनाउल्लाह कहते हैं 26 अप्रैल को हुकूमती कमेटी PTI से राबता करेगी, 14 मई को अगर इलेक्शन हुए भी तो कोई तस्लीम नहीं करेगा। आइन के मुताबिक इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। इमरान खान का रवैया मुल्क को किसी बड़े बहरान से दो चार कर देगा। पार्लियामेंट को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, कैसे कहा जा सकता है फला जमात से मुज़ाकरात करें। वज़ीरे तलाक सिंध शिरजील मेमन बरस पड़े, कहा आइन ने पाकिस्तान और असम्बलियां तोड़ने वालों को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। इमरान खान, आरिफ अलवी और स्पीकर ने गैर आइनी काम किया, ये नहीं हो सकता कि इसराइल और भारत से पैसे लेकर मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाई जाए। दिलफरेब मौसम ने ईद का मजा दुबाला कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का बसेरा, लाहौर में बूंदाबांदी ने मौसम खुशगवार बना दिया। शहर इकतदार में भी बादल बरसे, ठंडी हवाओं ने शहरियों के मजे करा दिए।